नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। आपने वो कहावत सुनी है कि पहले करो चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी, ये बात आज पूरी तरीके से फिट हो रही है रिपब्लिक टीवी, आर भारत और अर्नब गोस्वामी के ऊपर। क्योंकि अपनी गलती तो मानने के बजाय उन्होंने वही जो मैंने आपको पहले बताया था, चूहे बिल्ली का खेल मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी के बीच वो शुरू हो चुका है। एक तरफ अर्नब गोस्वामी है, वो मुंबई पुलिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने और उनके चैनल ने मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के केस में घेरा था, उनसे सवाल पूछे थे, आज उसी की भड़ास मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी से निकाल रही है, उनके चैनल से निकाल रही है। बात यहाँ ये है कि अगर अर्नब गोस्वामी को और रिपब्लिक नेटवर्क को ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस उनसे कोई भड़ास निकाल रही है इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उनको अपने मन से ये बात निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि कैसे और भी बड़े जो नामी चैनल्स हैं हमारे देश के, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और अर्नब गोस्वामी के चैनल से पहले ही दो चैनल्स के ओनर्स को, मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि और जो देश के बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो जो NBSA है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसके प्रेसिडेंट खुद रजत शर्मा हैं, जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ भी हैं। तो NBSA ने आज तक के ऊपर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और उनको ये कहा गया है कि उन्हें पूरे देश से अपने चैनल पर लाइव होकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज तक के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूरे देश के सामने झूठी ट्वीट्स चलाई थी। झूठी ट्वीट्स का मतलब आप समझिए झूठी खबर चलाई थी। उन्हें ये कहा गया है कि उस ट्वीट्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम की वीडियोज़ हैं, फिर चाहे वो उनके वेबसाइट पर हो आज तक की, या यूट्यूब पर हो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, वहाँ से भी उन्हें वो सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी। NBSA आगे आज तक को डेट देगा, एक टाइम देगा, और उसी डेट को उसी टाइम को आज तक को अपने लाइव टीवी पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने झूठी खबर चलाई देश के सामने। इसके बाद आज तक के साथ इंडिया टीवी जो है उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने लाइव टीवी पर सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो सुशांत सिंह थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और जिस केस को लेकर पूरी गोदी मीडिया गिद्ध की तरह उस पर चिपकी हुई थी, सबके मुंह से निवाला छीना जा रहा था, कभी इसके मुंह में कभी उसके मुंह में, सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस का ड्रामा बना दिया गया था हमारे देश में। तो जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह की बॉडी दिखाई गई थी, उनका मृत शरीर दिखाया गया था इंडिया टीवी चैनल पर और आज तक पर, वो गाइडलाइंस को वायलेट करता है, वो उनकी प्राइवेसी को वायलेट करता है, इसलिए इंडिया टीवी और आज तक पर ये एक्शन लिया जा रहा है। इसके बाद जो जी न्यूज़ है, जो सुधीर मामा का चैनल है, और उसके बाद जो न्यूज़ 24 चैनल है, इनको पर ये आरोप है कि इन्होंने जिस तरीके की टैगलाइंस यूज़ करी थी अपने प्रोग्राम्स में, सुशांत सिंह के केस में जिस तरीके की इन्होंने टैगलाइन चूज़ करी थी प्रोग्राम में, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसी बत्ती बत्ती टैगलाइन थी वो, कितनी बेतुकी टैगलाइंस थी वो, उन टैगलाइंस को भी वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस माना गया है और उनके ऊपर भी, इन दोनों चैनल के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद न्यूज़ नेशन जो दीपक चौरसिया हैं, इनके चैनल पर भी आरोप था कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी दिखाई थी, मगर फिर इन्होंने जल्दी से जल्दी उस क्लिप को डिलीट कर दिया और माफ़ी मांग ली, तो इन्हें आगे के लिए छोड़ दिया गया वार्निंग दे के। आगे आज तक की जो मैं आपको टैगलाइन बताता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो टैगलाइन चलाई थी वो थी हिट विकेट। आप सोचिए हिट विकेट जो क्रिकेट में मतलब होता है, जब बैट्समैन अपने आप का ही बल्ला या पैर बैट विकेट पर मार लेता है और खुद को ही आउट कर लेता है, तो आज तक की टैगलाइन थी सुशांत सिंह के केस में हिट विकेट, जिसका मतलब था सुशांत सिंह ने अपने आप को ही मार लिया, वो धार गए, सुसाइड कर लिया। इसके ऊपर जो NBSA है वो ये कहती है कि ये गाइडलाइंस को तो वायलेट करता है, बल्कि जो मृत व्यक्ति है, जो सुशांत सिंह है, जो अब दुनिया में नहीं है, उनकी प्राइवेसी को भी वायलेट करता है और उनकी डिग्निटी को भी अफेक्ट करता है। इसके बाद जो जी न्यूज़ की टैगलाइन थी, आप ध्यान से सुनिएगा, ये टैगलाइन कितनी भद्दी टैगलाइन है। टैगलाइन थी, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों, ये जी न्यूज़ के एक प्रोग्राम की टैगलाइन थी। इसको NBSA कहती है कि ये बिल्कुल ही वायलेट करती है, और ये बताती है कि कैसे ये एक्सप्रेस करती है ये टैगलाइन, कि कैसे एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का एक बड़े शहर में नहीं जी पाया, वो अपने आप को बड़े शहर में नहीं ढाल पाया, इसलिए वो हार गया और सुसाइड जो है वो उसके लिए एक फेलियर बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो न्यूज़ 24 की टैगलाइन थी वो थी, हे व्हाई डिडंट यू वॉच योर ओन फिल्म सुशांत,
ये न्यूज़ 24 की टैगलाइन थी। और यहाँ जिस फिल्म की बात हो रही है वो है छिछोरे। छिछोरे आपको याद होगा कि वही फिल्म है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड का मुद्दा उठाया था, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर यूथ में, कि आए दिन, हर दूसरे दिन या आप तीसरे दिन ले लीजिए, कोई ना कोई हमारे देश में सुसाइड करता है। फिर चाहे वो किसान सुसाइड करे, या कोई स्टूडेंट सुसाइड करे, कोई बुज़ुर्ग सुसाइड करे, कोई भी सुसाइड करे। तो इस मुद्दे को सुशांत सिंह ने अपनी फिल्म में उठाया था, तो न्यूज़ 24 ने इसको ही टैगलाइन बना लिया कि सुशांत सिंह ने अपनी फिल्म में सुसाइड का मुद्दा तो उठाया, मगर फिर उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया। तो क्या उन्होंने अपनी फिल्म नहीं देखी थी? जिसको लेकर NBSA ये कहता है, ये क्लियरली ऑफेंसिव है, ये टैगलाइन ऑफेंसिव है, और ये जो मृत व्यक्ति है, जो सुशांत सिंह है, उनकी डिग्निटी को इफेक्ट करती है। तो यहाँ जो NBSA ने सीधी तरीके से अपने बयान में कहा है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि मीडिया चैनल्स का एक काम होता है रिपोर्टिंग करना, न्यूज़ रिपोर्टिंग करना, खबरें पूरे देश तक पहुँचाना, ताज़ा खबरें, ताकि पूरे देश जो उनके आसपास चल रहा है उससे वाकिफ़ हो सके। और मीडिया चैनल्स न्यूज़ के ज़रिए ही कभी कभी ये होता है कि लोगों को इंसाफ मिल जाता है, मगर NBSA ने यह साफ कर दिया कि सारे मीडिया चैनल्स को अपना काम लिमिट में रहकर करना चाहिए, किसी भी मृत व्यक्ति के प्राइवेसी को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग, उनकी डिग्निटी को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, और खबरें इस तरीके से चलानी चाहिए कि वो किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए। और गोदी मीडिया की तस्वीर आपके सामने है, गोदी मीडिया ने जिस तरीके से खबरें चलाई हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर, वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं हमारे देश को, हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को। तो आज तक के ऊपर आरोपों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। आज तक के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि आज तक के एक रिपोर्टर ने, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस ताज़ा था, तो उनके एक रिपोर्टर ने ज़बरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर में जाकर उनके पिताजी से जबरन तरीके से इंटरव्यू लेने की कोशिश करी थी। आप सोचिए, जब एक पिता अपने जवान लड़के को खोता है, अपने जवान बच्चे को खोता है, तो उस पर क्या बीतती है, और उस वक्त जाके आपके मुंह पर कोई माइक लगाते आपसे सवाल पूछने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसके बाद ABP न्यूज़ के एक रिपोर्टर पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया कि उन्होंने भी ज़बरदस्ती करके सुशांत की एक बहन से इंटरव्यू लेने की कोशिश करी, मगर जब इसकी छानबीन की गई तो ये पाया गया कि सुशांत की जो बहन थी, उन्होंने ही अपनी मर्ज़ी से उस ABP न्यूज़ के रिपोर्टर को बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ अब ज़रूरी हो गया है, और ये ज़रूरी था, हालांकि होना ये पहले चाहिए था, मगर अब हुआ, कोई बात नहीं, कि ज़रूरी था कोई इन गोदी मीडिया चैनल्स की लगाम को खींचे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में, जिस रफ्तार से ये भाग रहे थे, उससे देश के हित में तो कुछ हो नहीं रहा था, बल्कि देश के लिए ये उल्टा नुकसान ही कर रहे थे। झूठी खबरें चलाकर, सांप्रदायिक माहौल बनाकर देश का माहौल बिगाड़ना, ये देश के हित की बात नहीं होती, बल्कि गोदी मीडिया के जो चैनल्स थे, ये देश के लिए हार्मफुल बन गए थे। तो ज़रूरी था ऐसा कोई बड़ा स्टेप होना, सिर्फ एक चैनल पर नहीं, बल्कि देश के बड़े चैनल्स पर ऐसी कार्रवाई होना, ताकि उन्हें आगे याद रहे कि वो ऐसी गलती दोबारा ना करें। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से इस वीडियो में अर्नब गोस्वामी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में बैठे हुए उसके बाद क्या होता है, आप वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे और बात करूँगा। Case against you, we are asking a simple question, Arnab. Mumbai police has registered a case against you. What do you have to say? Mumbai police has registered a case against you, Arnab. What do you have to say? Entire TRP scam, Arnab. Did you? Arnab. Lamra. Arnab. Arnab. The question we are asking is, did? It's a simple question. If you have not done anything wrong, you are innocent. Why are you giving us this treatment? Why are we being pushed? If you say it's your victory, are we getting him live? Then why don't you answer the questions, Arnab? Arnab Goswami of Republic TV just now left from his house without answering a single question from us. With Mangesh Hambre, Mustafa Shah. तो वीडियो में अर्नब गोस्वामी अपनी गाड़ी में है, आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अपनी गाड़ी में से अपने मुंह पर एक फेक स्माइल रखकर, एक झूठी हंसी रखकर, वो लोगों को पीस का निशान दिखा रहे हैं, हिम्मत का निशान दिखा रहे हैं। मगर जब उनकी गाड़ी के बाहर कुछ रिपोर्टर्स आते हैं, कुछ पत्रकार आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि इस केस में जिस पर उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने
और उनके चैनल ने टीआरपी के साथ छेड़खानी करी है ताकि वो अपने आप को, अपने चैनल को देश का नंबर वन चैनल बता सके। तो इसको लेकर जब रिपोर्टर सवाल पूछते हैं अर्णब गोस्वामी से, तो बजाय उनके सवालों के जवाब देने से उन रिपोर्टर्स को ही पिटवा दिया जाता है। अर्णब गोस्वामी के बॉडीगार्ड जो हैं वो उन रिपोर्टर्स को पकड़ लेते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। एक अर्णब गोस्वामी जो खुद एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता के प्रोफेशन में हैं, इतना बड़ा कहने को देश का नंबर वन चैनल चला रहे हैं, वो ही दूसरे पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन पत्रकारों को सिर्फ इसलिए पिटवाया गया हो क्योंकि वो इंडिया टुडे चैनल से थे? क्योंकि आपको पता है बीते कुछ दिनों में जैसे रिपब्लिक टीवी, अर्णब गोस्वामी और आज तक के बीच जंग छिड़ी हुई थी टीआरपी को लेकर। असल में बात मैं आपको बता दूं कि ये जो गोदी मीडिया है ये एक रेस है, एक दौड़ है जिसमें गधे भाग रहे हैं, गधों की रेस लग रही है टीआरपी को पकड़ने के लिए, कौन सबसे ज़्यादा टीआरपी को बटोरेगा, और वो भी झूठी टीआरपी के साथ भी छेड़खानी। मतलब पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है इस पूरे टीआरपी के केस को लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स द्वारा। उन चैनल्स को जिसको आप रोज़ सुबह खोलकर ऑफिस जाने से पहले देखते हैं कि कोई ताज़ा खबर आपको मिले, आज पूरे दिन में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में पता चले, फिर रात में घर आके आप फिर से न्यूज़ देखते हैं, आपको आज पूरे दिन क्या हुआ उसके बारे में पता लगे। उन चैनल्स ने ही आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपको झूठी टीआरपी दिखाई है, अपने आप को झूठी रेटिंग्स के जरिए देश का नंबर वन चैनल बताया है। तो अब आंखें खोल लीजिए। नहीं, मुझे पता है अभी आंखें नहीं खुलेंगी, अभी सुधार नहीं आएगा। आएगा मगर जिस तरीके से अब यहाँ पत्रकारों को लेकर, चैनल्स को लेकर कार्रवाई की जा रही है, सुधार ज़रूर आएगा। अभी नहीं तो कल आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो ज़रूरी है कि आप लोग खुद ही समझ जाएं, अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, मीडिया, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो कमज़ोर नहीं हुआ, उसमें दरारें नहीं पड़ी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब ये सारे बड़े चैनल्स के ऊपर हैं कि वो एक साथ हो जाएं, सच्ची खबरें चलाएं। जिस काम के लिए वो वहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े स्टूडियो खोलकर बैठे हैं, वही काम करें, लोगों को सच्ची और ताज़ा खबरों से वाकिफ़ कराएं, और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे दोबारा खड़ा किया जाए। क्योंकि लोकतंत्र जो इस वक्त यूँ डोल रहा है, वो बैलेंस नहीं है, वो डोल रहा है, उसे दोबारा से बैलेंस किया जाए, अपने देश को बैलेंस किया जाए, और अपने देश की तरक्की के रास्ते पर हम सब एक साथ आगे बढ़ें। आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।